जय माँ कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नील परतवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय काम नाम देही मे नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुरसेविते करोमि दर्शन देव्यं सर्व कामार्थ सिद्धये। दुर्गतिनाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। जय माँ कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट की तरफ से सत्यवाणी। साल में हर तीन माह में यदि आज जो मैं आपको हवन की पद्धति बता रहा हूं, जो सामग्री बता रहा हूं, यदि यह सामग्री मिला करके आपने किसी भी देवी देवता का हवन कर लिया हो तो आपके यहां पे किसी को कोई बीमारी नहीं रहेगी। यह 100% सत्य है। चाहे वो कैंसर की बीमारी हो, चाहे वो किडनी की बीमारी हो, चाहे वो लीवर की बीमारी हो, चाहे अस्थमा की बीमारी हो। बहुत रिसर्च, बहुत अनुसंधान करने के बाद में जो निष्कर्ष सामने आए वो हम आपको बता रहे हैं। कलयुग में हम देखते हैं मनुष्य बहुत पाप कर्म करता है, उन पाप कर्म के फल स्वरूप ताप उत्पन्न होता है और शरीर में जब ताप उत्पन्न होता है तो तरह तरह की बीमारियां लगती हैं और जब बीमारी लगती है तो मनुष्य पैसा खर्च करता है और पैसा खर्च करने से वह कंगाल हो जाता है, वह ऋण में जीने लगता है और एक समय के बाद में उसकी मृत्यु हो जाती है। पैसा भी खर्च होता जा रहा, बीमारी में जगता जा रहा है और बीमारी भी ठीक नहीं हो रही है। इसलिए बीमारी दूर करें, घर परिवार के सभी सदस्य मिलकर के हवन करें। हवन किनके नाम का हवन किया जाए और किस सामग्री से हवन किया जाए, बस इतना भर यदि आपने इस चैनल के माध्यम से समझ लिया तो आपके यहां पे बीमारी बिल्कुल 100 कदम दूरी पर बीमारी खड़ी रहेगी। प्रैक्टिकल करें। सबसे पहले सुन ले किन किन के नाम से हवन करना है आपको। ओम श्री मन महागणाधिपते नमः स्वाहा। ओम उमा महेश्वराभ्यो नमः स्वाहा। ओम सची पुरंदराभ्यो नमः स्वाहा। ओम वाणी हिरणगर्भाभ्यो नमः स्वाहा। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यो नमः स्वाहा। ओम कुलदेवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम स्थान देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम स्थापित देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा। ओम सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः स्वाहा। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः स्वाहा। ओम सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः स्वाहा। ओम सर्वेभ्यो सिद्धाय नमः स्वाहा। ओम नवग्रह देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम वास्तु देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम गुरुभ्यो नमः स्वाहा। ओम मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः स्वाहा। ओम रिद्धि सिद्धि बुद्धि सहिता श्री मन महागणाधिपते नमः स्वाहा। बस इतने नाम आपको लेना है और हर बार स्वाहा स्वाहा बोलना है। यह क्रम कम से कम 5 बार चलना है। अब इसके लिए कौन कौन सी हवन सामग्री आपको प्रयोग करना है वो इंपॉर्टेंट है। 100% गारंटी है। यदि आपने हर महीने, यदि किसी के परिवार में कभी किसी को बीमारी रहती हो, कभी किसी को रहती हो, कभी दूसरे को हो जाती हो, इस प्रकार से बीमारी टर्न बाय टर्न किसी न किसी को परेशान करती रहती हो, तो चाहे कितना ही तंत्र मंत्र हो, कितना ही जादू टोना हो, वह सब समाप्त तो हो जाएगा और बीमारी, विशेष तौर से बीमारी समाप्त हो जाएगी। सबसे पहले आपको लेना है नीम की पत्ती, नीम की डगाल, नीम की छाल, चिरायता। ये सब जो मैं जितनी भी जड़ी बूटी बता रहा हूं, ये सब जड़ी बूटी वाले दुकान पर मिल जाती है। नीम की पत्ती, नीम की डगाल, नीम के फूल, नीम की निम्बोली, चिरायता, पित्त पापड़ा और त्रिफला और गाय का शुद्ध घी, अजवाइन, मुनक्का, शहद, सफेद चंदन, पिपली, गुग्गल,
अपामार्ग, सीताफल के बीज, जटामासी, देवदारु, नागरमोथा, वायवड़ंग, लोभान, जामुन के वृक्ष की छाल, करेले के डंठल, कपूर, खस, महुआ, सफेद चंदन, बड़ी इलायची, अगर तगर, गिलोय, बांस का चूर्ण, कपूर काचली, दारू हल्दी, काली हल्दी, और साथ में लेना है बच, कूट, गंधक, आग के पत्ते, मसूर की दाल छिलके सहित वाली, निर्गुंडी के पत्ते, पीली सरसों, सफेद सरसों, राल, अडूसा, खुरासानी, पश्मीना कागज, लाल बूरा, बरगद के पत्ते, तुलसी के पत्ते, नीम के पत्ते, सहजने की छाल, धूप का चूरा और काले तिल, मुलैठी, साथ ही साथ में गुलर के फूल, अशोक की छाल, अर्जुन की छाल, माजू फल, खोपरा, जो चिकनी सुपारी, शतावर, मजीठा, अनारदाना, सफेद चंदन, लाल चंदन, जामुन के पत्ते, धाय के पत्ते, और जितना भी सामान मिलाया उसका 1/10 बार शक्कर लेना है। इन सबको आप मिला लें, लेकर के आ जाएं, इनको कूट लें या पीस लें और हवन सामग्री में मिला लें। गाय का घी अवश्य मिलाएं और फिर जो मैंने पहले नाम बता दिए हैं आपको, किन किन देवी देवता के नाम से हवन करना है, वह रूटीन 5 बार आपको करना है। 5 बार आपको वही आवृत्ति दोहराना है। निश्चित तौर से आपके घर की सभी बीमारी समाप्त हो जाएगी। हवन करते समय आसन पर बैठें, एक दीप प्रज्वलित कर लीजिए, एक कलश की स्थापना कर लीजिए। लकड़ी, गीली लकड़ी का प्रयोग न करिए। लकड़ी को प्रज्वलित करने के लिए घी और कपूर का प्रयोग करें और उत्तर मुखी बैठें। दक्षिण मुखी नहीं बैठना है, पूर्व मुखी बैठ सकते हैं, पश्चिम मुखी बैठ सकते हैं। और जिनको बीमारी हो वो अपने ऊपर से यह सामग्री थोड़ी थोड़ी हाथ में लेकर के सिर से लेकर पेट तक 7 बार उतारें और हवन करें। निश्चित तौर से भूत, प्रेत, पिशाच, चुड़ैल, डाकन, जिन, जिन्नाद, जो भी होगा वह सब आपके शरीर को छोड़ के चला जाएगा। प्रयोग करें, लाभ उठाएं और हमें सूचना अवश्य दें। मुझे उम्मीद है आप इसका प्रयोग करोगे, क्योंकि यह ज्ञान आपको निशुल्क प्राप्त हो रहा है, इसलिए आप इसकी कीमत नहीं समझोगे। मैं जानता हूं, पर मैं अपना धर्म निभा रहा हूं आपको ज्ञान देने का। मानना नहीं मानना, प्रयोग करना या नहीं करना आपका काम, परंतु मुझे उम्मीद है जिनके यहां पे हजारों लाखों रुपए डॉक्टरों में हॉस्पिटलों के पास जा रहे हैं, रिसर्च करवा रहे हैं, पैथोलॉजी लैब में जाके टेस्ट रिपोर्ट करवा रहे हैं, वहां पैसा दे रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, परंतु घर में हवन नहीं करेंगे। मैं बोल रहा हूं कोई विधि विधान का पालन नहीं करना है, सिर्फ आपको एक कलश की स्थापना करना है, एक दीप प्रज्वलित करना है और लकड़ी जला करके ये जो मैंने सामान बताया बराबर मात्रा में लेकर के आकर के इनका चूर्ण बना करके इनसे हवन करिए। निश्चित तौर से फायदा होगा। जय माता दी, जय मां कामाख्या, कामाख्ये वरदे देवी, नीलपर्तवासिनी त्वं देवी, जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते, कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय, कामनाम देहि मे नित्यं, कामेश्वरी नमस्तुते।
काली तारा महाविद्या षोडशी भुवनेश्वरी भैरवी छिन्नमस्ता च विद्यादुमात्रा बगरा सिद्ध विद्या च मातंगी कमलात्मिका एतदस महाविद्या सिद्ध विद्या प्रतिगिता दुर्गदिनाशिनी दुर्गा जय जय काल विनाशिनी काली जय जय उमा रमा ब्रह्माणी जय जय सीता राधा रुक्मणी जय जय माँ कामाख्या जगत जननी आद्य शक्ति भवानी आल्हादिनी शक्ति कष्ट निवारिणी दुख निवारिणी महिषासुर मर्दिनी दुम्लोचन सनंदरी आपका आपके परिवार को निरोगी रखे और ऐसी सद्बुद्धि प्रदान करे, ऐसी परिस्थिति निर्मित करे कि आप ये हवन पूजन कर सकें। जय माता दी, जय माँ कामाख्या।